झारखंड राज्य में जो सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, औसत से 58% कम बारिश हुआ है, रोपाई लगभग 10% भी नहीं हो पाया है, और 15 मई से 15 अगस्त में सिर्फ 3 सप्ताह बाकी रह गया है। तो ऐसी स्थिति में विभाग ने वैकल्पिक तैयारियां करना शुरू किया। किसानों को कैसे राहत दें, इसके लिए सरकार संवेदनशील है। तो हम लोगों ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना का PPT उपायुक्त महोदय लोगों को दिया और उनको कहा कि किन परिस्थिति में इस योजना का क्रियान्वयन करना है। यदि क्षतिपूर्ति फसल का होता है तो 2 कैटेगरी है। यदि 30 से 50% तक होता है तो प्रति एकड़ 3,000, मैक्सिमम 15,000, और 50% से अत्यधिक का होता है क्षति तो प्रति एकड़ 4,000, मैक्सिमम 20,000 का क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा किसान को दिया जाएगा। किसान में रैयत भी होंगे और बटाईदार, दोनों तरह के किसान को दिया जाएगा। उसको लेकर तमाम गाइडलाइन है, उसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की बात कही गई, इसका प्रचार प्रसार जोरों से हो इसकी बात की गई, और राज्य के 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों का एप्लीकेशन लेने का बात किया गया। यह निःशुल्क होगा। यदि वो खुद करते हैं www.jrfry.government.in पर तो वो निःशुल्क होगा। यदि वो CSC में जाते हैं तो वो सर्विस चार्ज 40 रुपया उनसे लेंगे। तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जो बातें कही हैं वो तमाम झारखंड के लोगों के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि जो उपायुक्तों ने जो जिलों से संबंधित रिपोर्ट भेजी है या जो बताई है वो भयावह है, उस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि उन्होंने तमाम ज़िलों के उपायुक्तों के साथ ही तमाम ज़िलों के पदाधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी किया है कि वह वैकल्पिक प्लान पर काम करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसकी माने तो अभी मॉनसून में थोड़ा समय बचा हुआ है, लिहाजा उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो नुकसान होना था वो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, ऐसे में थोड़ी भरपाई हो सकती है। अब जरूरत इस बात की है कि आपदा प्रबंधन विभाग के साथ तालमेल बैठा करके एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे किसानों को कम से कम नुकसान होने दिया जाए। साथ ही विभागीय मंत्री ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र की मोदी सरकार से मदद ली जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, यहाँ से रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी संबंधित लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिला है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कहीं सुखाड़ केंद्र और राज्य के बीच एक नई लड़ाई का जरिया तो नहीं बन जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज बायस्कोप के लिए शहनवाज। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।